हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको मसला है किसी किस्म का आपके रनअप के अंदर और आप समझते हैं आपका जो रनअप है वो स्मूथ नहीं है, कहीं आपके जो फुट स्टेप्स हैं कहीं छोटे कहीं बड़े होते हैं, शटर होते हैं या स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उसके लिए मैं आज आपको ड्रिल बताने वाला हूँ कि आपने अपने रनअप को कैसे ठीक करना है, कैसे आपने उसके अंदर बैलेंस लेकर आना है और अपने सारे फुट स्टेप्स को इक्वल लेकर करना है। तो उसके अंदर मैं आपको एक ड्रिल बता रहा हूँ कि बेसिकली आपने क्या करना है कि यह आपकी विकेट लगी हुई है और यहाँ से आपने उल्टा भागना है अपने रनअप की तरफ, और आपने क्या करना है कि ये बॉल्स हैं मेरे पास, मैं इनसे मार्किंग करूँगा कि मैं अपने फुट स्टेप्स को बैलेंस करूँगा कि मेरा फुट स्टेप जो है वो हर दफ़ा एक ही स्पॉट के ऊपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। और उसको कैसे करना मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये है, अब यहाँ से मैं भाग के बॉलिंग करनी शुरू करूँगा और जैसे ही जहाँ मेरा बैक फुट लैंड करेगा वहाँ पर हम जो है वो एक स्पॉट को लगा देंगे। चलें जी शुरू करते हैं। ये मेरा पाँव यहाँ पे लैंड किया और यहाँ पे ऑलरेडी ये मेरा रनअप का मार्क है, मैंने वहाँ पे निशान भी वाइट कलर से लगाया हुआ है और यहाँ पर जो है अब हो गया। अब मेरे जितने भी सारे के सारे बॉल हैं वो हर दफ़ा अगर इसी स्पॉट के ऊपर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो है ये मेरा जो रनअप है वो बिल्कुल बैलेंस है। अब अगला बॉल करके ट्राई करते हैं। अब मैं यहाँ से भागना शुरू करूँगा और दोबारा चेक करते हैं इसको खींचो रस्ता भी। ये देखो ये दूसरा पाँव भी है उसी स्पॉट पे आया। अगर आपके रनअप में कोई थोड़ा इशू होगा तो आपका पाँव कभी आगे आएगा कभी पीछे आएगा, अगर आपके सारे बॉल्स इस एक लाइन में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रनअप है वो बिल्कुल ठीक है। अगला बॉल ट्राई करते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा मार्जिनली पीछे आया, अगर आप पहले दो बॉल देखें तो बिल्कुल ठीक थे, ये थोड़ा सा पीछे है, इसका मतलब है कि इस दफ़ा रनअप के अंदर कोई ना कोई फुट स्टेप के अंदर कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई ऐसा मसला हुआ है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। अब उधर से बना ये वीडियो स्टॉप कर दूं यहाँ से, नहीं उधर से बना के ताकि मुझे पूरा नजर आए। अब यहाँ से मैं दोबारा भाग रहा हूँ और यहाँ से मैं भागूंगा अपने मार्क से और ये माया और ये देखें ये फिर अब दूसरे वाले के साथ पड़ा है, तो मतलब यहाँ पे आपको जो थोड़ी थोड़ी सा ये गैप नज़र आ रहा है इसका मतलब कि मार्जिनली कहीं के ऊपर इसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मसला है, कोई प्रॉब्लम है। जब ये हमारी सारी की सारी एक लाइन में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने रनअप को बेहतर कर लिया है। और रनअप को इम्प्रूव करने के लिए जो टिप्स हैं वो ये है कि आपने छोटे अपने फुट स्टेप से स्टार्ट करना और आहिस्ता आहिस्ता बड़े करते जाना है, शुरू में जोर नहीं लगाना, हल्का जॉगिंग पोजीशन में निकलें और आगे जाके आपने अपने रनअप को एक्सेलरेट करना है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने भागना शुरू करना है तो आपने अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ रखना है। कुछ लोग होते हैं जिनका बॉडी वेट पीछे की तरफ रहता है, लेकिन इसके अंदर आपने अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ रखना है और एक्यूरेट आपने मेजरमेंट करनी है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जब आपने ये बॉल कर लेनी है तो आपने यहाँ पर एक परमानेंट जो है वो एक मार्क लगा लेना, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर लगाया हुआ है कि यहाँ पर हमने लगाया कि इस रनअप से हमने भागना शुरू करना है और आपने इसको सारा मेजर कर लेना। जब आप इसको मेजर कर लेंगे तो एक्यूरेट आपके सामने फिगर आ जाएगी कि मेरा रनअप जो है वो इतने फीट का है या इतने फुट स्टेप्स का है, तो आप उसको निशान लगाएंगे और उसको निशान लगाने के बाद अब आप गेन करेंगे। अब मैं आपको जो है यहाँ से बॉल करके दिखाता हूँ और आपको जो है आगे इसका आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे बॉल करना है और क्या करना है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसको हम यहाँ ख़त्म करते हैं और आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, लाइक किया होगा। मजीद अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्रिकेट कोचिंग से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक आती रहें। थैंक यू वेरी मच।